राम भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। कुछ राम भक्तों से आपको मिलवाते हैं जो अपने आराध्य की भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। लेकिन उससे पहले अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे राम भक्तों के सैलाब को देख लीजिए जरा। अहमदाबाद से एक विशाल नगाड़ा और रथ अयोध्या के लिए रवाना हुआ तो पूरा अहमदाबाद इसकी शोभा यात्रा में उमड़ पड़ा। राम भक्त अपने आराध्य रामलला के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। हर कोई भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। देश भर से राम भक्त प्रभु के स्वागत में अलग अलग उपहार अयोध्या भेज रहे हैं। भगवान राम के स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा और 800 किलो का विशेष रथ अयोध्या के लिए रवाना किया गया। जय सिया राम की गूंज के बीच जब यह काफिला अहमदाबाद की सड़कों पर निकला तो नजारा कुछ ऐसा था। कहीं भगवान राम के जयकारे तो कहीं फूलों की बौछार। ये भव्य शोभा यात्रा अहमदाबाद की जिन सड़कों से गुजरी तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिली। शोभा यात्रा की शुरुआत से पहले भव्य नगाड़े और रथ की विशेष पूजा की गई। अहमदाबाद में तैयार हुआ विशेष नगाड़ा अब अयोध्या के लिए आज प्रस्थान कराया जा रहा है। फिलहाल आप दृश्य में भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में जो लोग हैं वो भी मौजूद रहे हैं। 450 किलोग्राम का जो विशेष नगाड़ा तैयार हुआ था अब उसका वजन 500 किलोग्राम हो गया है। सोने और चांदी की परत के साथ ये संपूर्ण नगाड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। वहां से शोभा यात्रा पूरा करके MP रूट से निकलेगा जो 12 तारीख को जाएगा अयोध्या राम मंदिर तक जाएगा और वहां पर यह रथ के साथ में पूरा नगाड़ा समर्पित कर दिया जाएगा। देश में हर तरफ राम भक्ति की बयार है। अपने प्रभु की साधना और आराधना के लिए हर कोई बेकरार है। कोई प्रभु के चरणों में उपहार देना चाहता है तो कोई अपने श्रद्धा भाव को प्रभु को अर्पित करना चाहता है। ऐसे ही इंदौर के एक अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी भी निकल पड़े हैं अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन के लिए। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा कर कार्तिक अयोध्या के रामोत्सव का हिस्सा बनेंगे। मैं इंदौर से अयोध्या दौड़ लगा रहा हूँ जो कि 1008 किलोमीटर की है। यह दूरी हम 14 दिनों में तय करेंगे। हमने 1008 किलोमीटर इसलिए चुना है, वैसे इंदौर से अयोध्या की दूरी 945 किलोमीटर है, हमने 1008 इसलिए चुना है क्योंकि वह सनातन का सबसे शुभ अंक माना जाता है और यह दौड़ हम 7 दिन 8 दिन या 10 दिन में भी पूरी कर सकते थे, बट हम इस दौड़ को 14 दिनों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास में थे तो लगभग हम 14 दिन तो दौड़ सकते हैं। आस्था और भक्ति की शक्ति कठिन सफर को भी आसान बना देती है, राममयी बना देती है। अहमदाबाद से एक ऐसा ही राम भक्त 2 दिसंबर को अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकला है। नाम है सुरेश कुमार। लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके सुरेश राम नगरी अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे हैं। राम भक्तों का जोश और जज्बा 7वें आसमान पर है। अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ भगवान राम के मंदिर में विराजने का है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।